नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल, आपके साथ मैं हूँ रीना। शरद पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत माना गया है शुभ। इसे विशेष तौर पर शरद पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए अहम है। इसे काजोगिरी भी कहते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार को पड़ रही है। शरद पूर्णिमा का चांद मन को शीतलता देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी जी जल्दी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को अपार सुख और समृद्धि देती है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साल भर धन की कमी नहीं होती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अचूक तरीका है शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी स्त्रोत्र का पाठ करना। इसके लिए शरद पूर्णिमा की शाम के समय स्नान करें और फिर चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। फिर लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें और लक्ष्मी स्त्रोत्र का पाठ करें। इससे माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अपार धन वैभव की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते अर्पित करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन लक्ष्मी जी को तैयार किया हुआ पान अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद उसे प्रसाद स्वरूप सभी घर वाले सदस्यों को ग्रहण करना चाहिए। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा को रात के समय चावल की खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है और फिर पूजा के बाद यह खीर लोग ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को उनका प्रिय भोग खीर और प्रिय पुष्प कमल अर्पित करें, इससे वो प्रसन्न होकर अपनी मनोकामना पूरी करती हैं आपकी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।